धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत तीन दिनों पूर्व ग्राम पंचायत ढापला के समीप नहर के ठीक पास ग्राम कछवानिया की रहने वाली एक 20 वर्षीय नवविवाहिता सपना पति कमल डावर का संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। जानकारी मिलते ही तुरंत धामनोद एसडीओ पी मोनिका सिंह, थाना प्रभारी समीर पाटीदार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां शव के आसपास निरीक्षण करने पर कुछ दूरी पर टूटी हुई चूड़ी, साड़ी पिन, जबकि मृतिका के पास हाथ से लिखा एक पत्र भी रखा मिला, जिसे पुलिस द्वारा जब्त किया गया था। चूंकि शव संदिग्ध अवस्था में पाया जाने से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि मृतिका ने फांसी लगाई है या किसी ने उसकी हत्या की है, उक्त घटना को लेकर धामनोद पुलिस जांच में जुटी हुई थी, जिसमें धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी समीर पाटीदार के द्वारा टीम गठित कर सूझबूझ से मृतिका के पति तथा परिजनों से पूछताछ की गई, जिसमें बताया गया कि मृतिका का शादी के पूर्व राकेश डावर नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था, जो शादी के बाद भी उससे बातचीत किया करती थी। वही आरोपी राकेश पुलिस को गुमराह करते रहा, कभी मृतिका के पति का तो कभी अपने दोस्त का नाम बताते रहा, जिससे कत्ल की गुत्थी और उलझते जा रही थी। फिर धामनोद पुलिस ने अपनी सूझबूझ से संदेही राकेश के हाथ की लिखावट ली, जो पत्र से मिलान हुई। सख्ती से आरोपी से पूछताछ करने पर उसने कत्ल करना स्वीकार किया। आरोपी राकेश ने मृतिका को मिलने के लिए बुलाया और भगाकर ले जाने के लिए मृतिका पर दबाव बना रहा था, परंतु मृतिका द्वारा क्रोध में आकर नहीं जाने पर उसकी हत्या कर दी गई। वही आरोपी प्रेमी को धामनोद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। लड़की की पेड़ पर टंगी लाश मिली थी, इसका क्या पूरा मामला? जो लाश हमें मिली थी, क्योंकि वो संदिग्ध अवस्था में मिली थी, उसके गले में एक रस्सी के साथ साथ फांसी का फंदा मिला था, तो घटनास्थल देखकर ये निश्चित हो गया था कि कुछ संदिग्ध है। उसकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और सारी कड़ियों को जोड़ा गया, तो उसमें पाया गया कि जो मृतिका है उसका शादी चुकी हो चुकी थी, लेकिन उससे पूर्व ही उसका एक राकेश डावर नामक व्यक्ति से अफेयर चल रहा था। वो लगातार शादी के बाद चलता रहा और इस बीच उसने अपनी जो शादी की रकम थी वो भी आरोपी को दे दी थी, जिसके लिए फिर पंचायत बैठी। पंचायत में जो आरोपी है उसको 50,000 रुपये देने पड़े थे, और इसी बात से नाखुश होते हुए, क्योंकि उसकी बदनामी हुई और उसको रकम लौटानी, मतलब रकम का पैसा लौटाना पड़ा, तो इसी बात से उसने ठान लिया कि अब मैं मृतिका को मार डालूँगा। और उसी के तहत उसने पूरी प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद में 22 तारीख को रात को, चूँकि उसके पास मृतिका का कॉल आया था कि रात को मिलना है 10:30 बजे, तो उसने पूरी प्लानिंग करते हुए चिट्ठियाँ बनाई ताकि दूसरे के ऊपर नाम रख सके, और सारी प्लानिंग करते हुए वो मृतिका को लेकर गया और उसके साथ पूरी घटना घटित करते हुए रस्सी से उसका गला घोंट के उसको मार डाला, और उसी की साड़ी से उसको पेड़ पर लटका दिया ताकि वो फांसी देखने में फांसी कर दी थी। Subscribe now to most exciting channel ever.